हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज हम ड्रॉ करने वाले हैं आई। इसमें हम लेयर बाय लेयर सेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने स्टार्ट किया है HB से, और मेरा रिकमेंड रहेगा HB से ही स्टार्ट करें, या फिर ऑल लाइट पेंसिल से स्टार्ट करें आप, और विदाउट प्रेशर अप्लाई करें पेंसिल। लाइट प्रेशर अप्लाई करने से यह रहता है, जब हमें इरेज करनी होती है पेंसिल या हाइलाइट्स करनी होती है, तो उसमें इजी रहता है, इजीली इरेज हो जाता है। लेयर बाय लेयर सेटिंग करने से काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक टेक्सचर आता है। सेटिंग करेंगे तो लाइट तो डार्क जाएगी, और यहाँ पर डार्क एरिया है उस पर हम अप्लाई करेंगे, तो भी डायरेक्ट डार्क पेंसिल नहीं यूज़ कर सकते। हम 5B लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डार्क एरिया है। आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग, रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप डार्क एरिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अंदर वाला जो पार्ट है उस पर आप काफ़ी ऑब्जर्व करने के बाद शेडिंग करें। किसी पेंसिल को यूज़ किया है और कोई पेंसिल यूज नहीं किया। के अंदर वाले पार्ट के लिए मेरा रिकमेंड रहेगा, आप जितना डार्क यूज़ करना चाहें उतना डार्क कर सकते हैं, लेकिन हाइलाइट्स को छोड़ दें, हाइलाइट्स पे ना पेंसिल चलाएं। यहाँ पे हाइलाइट्स हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हल्के प्रेशर पे हमें शेडिंग करनी है। जो हाइलाइट है वो हमें छोड़नी है, जैसे ये मैंने हाइलाइट छोड़ रखा है। पेपर लेंगे हम इसे ब्लैक करने के लिए, और बिल्कुल भी प्रेशर का अप्लाई ना करें। आप देख सकते हैं कितना हल्का हल्का सा रियलिस्टिक टेक्सचर आ रहा है। अंदर आप टिश्यू पेपर का यूज ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, पेपर स्टम का भी यूज कर सकते हैं। 7B पेंसिल यूज़ करेंगे और डार्क एरिया के लिए हमें अच्छे से ऑब्जर्व करना है फोटोग्राफ को, उसके अकॉर्डिंग हमें शेडिंग करनी है, डार्क एरिया लाइट एरिया देखकर। मैं हाईलाइट करूँगा टॉम्बो इरेजर से, हाईलाइट आपको देखकर करनी है अच्छे से ऑब्जर्व करके, मैकेनिकल इरेजर अच्छे से ऑब्जर्व करके वहीं चलानी है, यहाँ पर आपको हाईलाइट करनी है।
यही टेक्निक यूज़ करके आप इजीली आई ड्रॉ कर सकते हो रियलिस्टिक। और वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे इजीली ह्यूमन फेस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि न्यू वीडियोस अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं दोबारा से पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ जिससे कि जो हमने हाइलाइट्स किए हैं वो शार्प हो जाएं। एक और बात बताना चाह रहा हूँ गाइस, इसके बाद में मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था जिसकी वजह से वीडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना। जितना हो पाया उतना मैंने रिकॉर्ड किया और उसके बाद एडिट करके मैं अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो। तो हम आईब्रो को हल्का हल्का सा स्वेट करेंगे और ईयर्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाएंगे। हमें याद रखना है यहाँ पे हाइलाइट्स करने हो वहाँ पे लाइट प्रेशर अप्लाई करना है। हमें रेजर का यूज़ करके जो एक्स्ट्रा शेडिंग हो गई है उसे इरेज करूँगा।